नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जजेस की नियुक्ति को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कुछ तनातनी चल रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जजेस की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम सिस्टम फिलहाल लॉ है, और अगर सरकार चाहती है इसको बदलना तो उसके लिए वो एक नया कानून ला सकती है। एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया है, कौन से आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं इसके बारे में, और कोलेजियम सिस्टम एक्चुअली इवॉल्व कैसे हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से। सो अनटिल गवर्नमेंट ब्रिंग्स न्यू लॉ ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, जब तक न्यायिक नियुक्ति के लिए सरकार नया कानून नहीं लाती, कोलेजियम सिस्टम इज द लॉ, कोलेजियम सिस्टम के द्वारा ही नियुक्ति होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है, इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, पहले क्या कहा गया वो बात करेंगे, एंड देन विल गो बैक टू द बेसिक्स, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को कहा कि कोई भी सरकार को नहीं रोक रहा है एक नया कानून लाने के लिए ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, बट जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कोलेजियम सिस्टम और उसका मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिस तरह के प्रोसीजर है वही फाइनल वर्ड है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLIFE10। स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 11 AM एंड 5 PM। आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और सेशंस में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं फॉर दी क्लासेस। बहुत इंपॉर्टेंट, 16 दिसंबर तक 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है, 40% तक की आपको यहाँ पर आपकी सेविंग्स हो सकती हैं। अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस 18-month सब्सक्रिप्शन में यू कैन सेव अप टू 35,000 rupees। गो एनरोल नाउ। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLIFE10। एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलेगा यहाँ पर आपको। 16 दिसंबर इज द लास्ट डेट। नाउ मैम, आपका कोड यूज़ क्यों करें? देखिए, मेरा कोड यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि एक तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरा मेरी पर्सनल गाइडेंस है, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। इसी के साथ साथ अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं और आप CSAT को लेकर अभी भी अप्रिहेंसिव, आपको नहीं पता क्या करना है, दिस इज योर चांस। 12 दिसंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं, दिस इज दी प्राइस। अगेन, मेरा कोड यूज करने पर एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। गो एनरोल नाउ और अपना CSAT प्रिपेयर कीजिए विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। चलिए, अब ये हुआ क्या है, एक्चुअली पूरा बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका, इस पूरे मुद्दे में। सो कोर्ट का ये रिमार्क जो आया सरकार को, ये आया जब वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने क्रिटिसाइज किया किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया, स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ द NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिटी, जिसको कमिटी एक्ट, ठीक है, इसको लाया गया था 2014 में, और 2015 में एक संवैधानिक बेंच ने इसको खारिज कर दिया था, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि कहा गया था इट वॉज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। NJAC क्या है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हैं धनकर जी, उन्होंने डायरेक्टली तो रेफर नहीं किया NJAC लॉ को, लेकिन मतलब इनडायरेक्टली रेफर करते हुए कहा कि कोर्ट ने अंडन कर दिया है जनता की विल को जो पार्लियामेंट के थ्रू एक्सप्रेस हुई थी। देखिए, हमारी जो सरकारें हैं, जो हमारी सरकार है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन है ये, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट में कौन लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, तो वो लोग हैं जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि जो कानून, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो संवैधानिक हैं या नहीं। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि पार्लियामेंट के द्वारा ये लॉ बनाया गया जिसको जुडिशरी ने खारिज कर दिया। इस पर क्या जवाब आया, इस पर जो जस्टिस संजय किशन कौल की, मतलब वो लीड कर रहे थे उस 3-judge बेंच को जिसने इस पर मतलब जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है लॉज बनाने का, और गवर्नमेंट पार्लियामेंट को कह सकती है कि एक नया लॉ लेकर आइए, कोई नहीं रोक रहा है इससे, किसी को प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है, आप नया लॉ लेकर आइए कंसेंसस के साथ, जो हमेशा से होना चाहिए, जिस जो तरीका है, लेकिन कानून बनाना केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है ना कि वो एकदम से लागू हो जाएगा। अगर कोई कानून आता है तो उसको रेडी रहना पड़ेगा जुडिशियल स्क्रूटनी के भी, अगर कोई इस पर क्वेश्चन कर देता है, कोई इसको चैलेंज कर देता है कानून को कि वो संवैधानिक है या नहीं, संवैधानिकता जांचने का अधिकार जो है वो जुडिशरी के पास है। तो अगर कोई कानून आ रहा है तो उसकी संवैधानिकता की जांच भी होगी, इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें। तो आप नया कानून लेकर आइए लेकिन स्क्रूटनी के लिए भी तैयार रहिए, यहाँ पर ये कहा गया। ठीक है, चलिए, इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स
को लेकर जो लॉ है टू हाई कोर्ट्स ऑल्सो, वो एज ऑफ नाउ अभी के लिए कहाँ पर है? वो अभी फिलहाल कोलेजियम सिस्टम के थ्रू ही है, यही प्रक्रिया है, इसी के द्वारा होता है, जो कि इवॉल्व हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन द थ्री जजेस केस. क्या है थ्री जजेस केस, वो हम आगे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पर जस्टिस कॉल ने कहा कि हमारा जॉब है एनफोर्स करना जो लॉ अभी एग्जिस्ट करता है. जब सरकार चाहे कोई लॉ लेकर आती है तो आपको ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, एंड यू एक्सपेक्ट द सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स इट. आप कोई कानून लाए, आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको एनफोर्स करे. इसी तरह से कानून कोलेजियम सिस्टम ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया है, तो सरकार को इसको फॉलो करना इक्वली उनकी बाउंडेशन है. मतलब आप कोई कानून लाए, पार्लियामेंट कोई कानून लाए, उसको सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स करे. अग्रीड, ऐसा होना चाहिए. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इवॉल्व किया है तो ये इक्वल जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि उसको भी फॉलो किया जाए. यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है. देन द गवर्नमेंट इज इक्वली बाउंड टू फॉलो दिस. अभी फिलहाल क्या प्रेवलेंट है, कोलेजियम सिस्टम प्रेवलेंट है और यही फॉलो किया जाना चाहिए टिल द एंड, ये कहा गया. इसके साथ साथ कुछ और थोड़ी बातें की गई, जैसे कहा गया कि जो कमेंट्स हैं वो सरकार के द्वारा बहुत अच्छे से नहीं लिए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि जो कमेंट दिए गए थे हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा अबाउट द कोलेजियम सिस्टम वर नॉट वेल टेकन, अच्छे से नहीं लिए गए. हमने कहा, यहाँ पर जस्टिस कॉल ने कहा कि हम कह रहे हैं कि भाई फॉलो कीजिए कोलेजियम सिस्टम को, चाहे नो मैटर वॉट पीपल वुड स्पीक टू द ऑफ द कोलेजियम सिस्टम राइटली और रॉन्गली एट द राइट प्लेस और रॉन्ग प्लेस. मतलब हमें तो फॉलो करना पड़ेगा ना, यही कानून है फिलहाल, इसी को फॉलो करना पड़ेगा. और अगर हर व्यक्ति, हर सेक्शन सोसाइटी का ही डिसाइड करे क्या कानून फॉलो किया जाएगा, तो ये तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी. एवरीबडी कैन डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन. ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई. तो ये तो मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ, बैकग्राउंड बता रही हूँ, लेकिन इसमें बैक टू द बेसिक्स चलेंगे. हम समझेंगे थ्री जजेस केस क्या है, हम समझेंगे कोलेजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है. दैट इज द मेन फोकस. इसी बीच मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो रिलेंटलेसली अटैक कर रहे हैं कोलेजियम को ओवर पास्ट फ्यू डेज, कि वो ओपेसिटी को लेकर इवन एज द गवर्नमेंट रिमेंड इन कम्युनिकेडो ओवर कोलेजियम रिकमेंडेशंस ऑफ द नेम्स टू फिल अप द जजशिप्स. मतलब बेसिकली क्या हो रहा है ना कि कुछ नाम किए गए, अब अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है अंडर आर्टिकल 124 एंड 217. सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है, नियुक्ति होती है अंडर द नेम एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं. 217 में हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे वो कंसल्ट करके करते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कहता है कि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड है, उनकी जिम्मेदारी है नियुक्ति करना, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के समय वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका ओपिनियन ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के केस में वो गवर्नर से, जजेस से, सुप्रीम कोर्ट एटसेट्रा से कंसल्ट कर सकते हैं. मैं उस पर नहीं जा रही हूँ फिलहाल, ठीक है. अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है. अब कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि रिकमेंडेशंस किसकी तरफ से जाती हैं, कोर्ट की तरफ से जाती हैं. सुप्रीम कोर्ट रेकमेंड करता है किसको नियुक्त करना है, सरकार को रेकमेंड करता है, उसके बाद राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं. यहीं पर सारा प्रॉब्लम चल रहा है और इसीलिए वो पेंडिंग चल रहे हैं, यही पूरा मुद्दा है. खैर इसके उस बैकग्राउंड में नहीं जाते अभी फिलहाल हम, ठीक है. यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस पूरे डिसीजन में ना सुप्रीम कोर्ट के, जस्ट गिव मी वन मिनट, हाँ, यहाँ पर इस पूरे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, उन्होंने कहा कि कोर्ट को कंटेम्प्ट इशू कर देना चाहिए, कंटेम्प्ट इशू एक्शन ला देना चाहिए टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इन लाइन. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उन पर आरोप लगा देना चाहिए. और उन्होंने कहा कि कमेंट जो भी बनाए दिए गए हैं सरकार के द्वारा डायरेक्टली हैव अटैक्ड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, और सरकार के जिस तरह के भी स्टेटमेंट्स इस संबंध में कोलेजियम को लेकर आ रहे हैं उससे संवैधानिक पावर जो है, अधिकार जो है कोर्ट का, वो ब्रीच हो रहा है, ऐसा भी कहा गया. एंड नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल से द बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये भी उन्होंने थोड़ा सा एक टिप्पणी की कि अब ये लोग कहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर भी संविधान का भाग नहीं है, बिकॉज कोलेजियम को ये कहा जा रहा है ना, कोलेजियम तो इट इज इवॉल्व, ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व है, ठीक है. तो ये फिलहाल तनातनी चल रही है ना. कोर्ट ने यहाँ पर एक और चीज बोली, वो ये बोली कि हम एंगेज नहीं होना चाहते हैं ब्लेम गेम में, किसकी गलती है, क्या चल रहा है, ये सब नहीं करना. फिलहाल उनका कहना है कि भाई कोलेजियम रिकमेंडेशंस को लेकर, जो रिकमेंडेशंस होती हैं, तो जो नेम्स रिकमेंड किए जाते हैं जजशिप के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, वो या तो वापस भेज दिए जाते हैं कोलेजियम को एक लॉन्ग गैप के बाद,
सालों तक वो नाम पेंडिंग पड़े रहते हैं, या वो पेंडिंग होते हैं सरकार के साथ, या तो वापस भेज दिए जाते हैं और पेंडिंग पड़े रहते हैं फॉर अनडिस्क्लोज्ड रीजंस कि क्यों उनकी नियुक्ति नहीं की गई। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? अपॉइंटमेंट तो एग्जीक्यूटिव हेड करेंगे ना, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 74 विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, तो या तो वो पेंडिंग पड़े रहते हैं या फिर वापस भेज दिए जाते हैं बहुत लंबे समय के बाद बिना किसी जायज कारण के, ये भी यहाँ पर कहा गया। और जो रीइटरेटेड किए जाते हैं रिकमेंडेशंस बाय द कॉलेजियम आर अगेन केप्ट पेंडिंग और अगेन रिटर्न बाय द गवर्नमेंट, जो दोबारा भेजे जाते हैं वो फिर से या तो रखे जाते पेंडिंग होते हैं, रिटर्न कर दिए जाते हैं। रिसेंटली अ बैच ऑफ 19 नाम भेजे गए थे फ्रेशली रिकमेंडेड एंड रीइटरेटेड फॉर हाई कोर्ट जजशिप वर रिटर्न बाय द गवर्नमेंट, ये वापस कर दिए गए। तो ये फिलहाल ये पूरा मुद्दा चल रहा है कि 19 नाम भेजे गए कि भाई इन जजेस की नियुक्ति होनी है, वो नहीं उनकी नियुक्ति हुई है और उनको वापस कर दिया गया। यहाँ पे एनजेएसी को लेकर भी कुछ बात चल रही है। चलिए हम आ जाते हैं, ये तो पूरा मुद्दा पूरा बैकग्राउंड हो गया, ये तो पूरी कहानी है जो फिलहाल चल रही है। ठीक है, ब्रीफली मैंने आपको बता दिया क्या कहा गया कोर्ट के द्वारा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम की और ये कैसे काम करता है। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम एक ग्रुप है जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये 5 लोग मिलकर कॉलेजियम बनाते हैं और ये डिसाइड करते हैं नियुक्ति को ऑफ द हायर जुडिशरी एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। हायर जुडिशरी यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संबंध में, उनके हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर को लेकर भी डिसीजन कॉलेजियम के द्वारा लिया जाता है। यहां मैं आपको बता दूं कि CJI एंड 4 जजेस ये वोटिंग के द्वारा डिसाइड करते हैं। अगर CJI अगेंस्ट भी है ना किसी नाम के और 4 जजेस उसके फेवर में है तो वो नाम रेकमेंड होगा। ठीक है, ये कॉलेजियम काम करता है, इस तरह से काम करता है और ये इवॉल्व हुआ है बाय 3 जजेस केसेस, वो हम केसेस डिस्कस करेंगे अभी। और सिस्टम का अपना जो ओरिजिन है और ये कंटिन्यूड बेसिस है किस पर? बेसिस रेस्टिंग ऑन द 3 जजमेंट्स मेड बाय सुप्रीम कोर्ट जजेस, 3 जजमेंट्स पर। 3 जजमेंट्स हैं, अलग अलग समय पर ये जजमेंट्स लिए गए कलेक्टिवली, जिनको 3 जजेस केस कहा जाता है। इसके द्वारा ये सिस्टम इवॉल्व हुआ है। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है? तो हमारे संविधान में जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 217 हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो चीफ जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद दिस विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। ये संवैधानिक प्रावधान है, राष्ट्रपति के हाथ में चला गया, राष्ट्रपति को दी गई है पूरी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। नाउ कंसल्टेशन वर्ड को लेके यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई थी कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है। अगर ये होता राष्ट्रपति कंसल्ट नहीं कर रहे, ही इज डिसाइडिंग ऑन हिज ओन, ठीक है, या इट इज हिज परव्यू, तो कोई पॉइंट ही नहीं था। लेकिन ये कंसल्टेशन वर्ड बिकेम द मैटर ऑफ डिस्कशन कि कंसल्टेशन का मतलब क्या हुआ, क्या वो कंसल्टेशन, क्या वो जो उनसे पूछा जा रहा है वो बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है राष्ट्रपति पर, बाइंडिंग है तो किस तरह से है, एंड ऑल दीज थिंग्स वर देयर, दीज वर द क्वेश्चंस। कंसल्टेशन वर्ड को लेकर प्रॉब्लम शुरू हुई है एक्चुअली, कि कंसल्ट करने की बात कही गई है संविधान में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जैसा उनको ठीक लगता है उनसे वो कंसल्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जो जजेस हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नियुक्ति उनकी होगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। तो CJI की नियुक्ति भी इस तरह से होगी और बाकी जजेस की नियुक्ति भी होगी। नाउ दिस वर्ड कंसल्टेशन अगेन इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया है इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन द चीफ जस्टिस। ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी है, मतलब ये कंसल्ट करना जरूरी है अदर देन CJI। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट जज केस की। फर्स्ट जज केस 1982 का ये केस है जिसमें एक पिटीशन फाइल की गई 1982 में सुप्रीम कोर्ट में। इसके बैकग्राउंड में आपको मैं बता दूं कि देयर वर टू इंस्टेंसेस जनरली फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। हमारे यहाँ CJI की नियुक्ति होती थी, राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन उनका जो तरीका था ना नियुक्ति का वो होता था कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो CJI होंगे, सीनियर मोस्ट इन टर्म्स ऑफ द टेन्योर। ठीक है, नॉट द एज, टेन्योर के हिसाब से जिनका टर्म सबसे ज्यादा होगा वो CJI बनेंगे, ये तरीका होता था। ये जो एक तरह से कन्वेंशन था इसको ब्रेक किया गया दो बार इन 1970s। यू हैव टू गिव मी इन दी कमेंट सेक्शन वो दो कौन कौन से जजेस थे जिनके लिए कन्वेंशन ब्रेक किया गया और उन्होंने सुपरसीड किया अपने सीनियर्स को टू बिकम द CJI।
ठीक है। उसके बाद ही 1982 में पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसको कहा जाता है एसपी गुप्ता या फिर फर्स्ट जजेस केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दो मेजर पॉइंट्स को डिस्कस किया ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। यहाँ मैं आपको बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी फॉर दैट मैटर, जुडिशरी नॉट सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी हैज बीन गिवन दिस पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेक कि कोई भी चीज़ जो हो रही है वो संवैधानिक है कि नहीं, और वो गार्जियन की तरह काम भी करते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कई बार जुडिशियल रिव्यू के थ्रू डिसीजन इस तरह के लेते हैं। किसी के दिमाग में आ सकता है ना, जुडिशरी ऐसा क्यों कर रही है। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया गया, नॉट एक्सप्लिसिटली बट इम्प्लिसिटली दिया गया है, ठीक है। चलिए, दो चीज़ें क्या क्या थी। पहली चीज़ थी जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि जो वर्ड कंसल्टेशन है आर्टिकल 124 में, उसका मतलब कॉन्करेंस है क्या, मतलब अग्रीमेंट है क्या, सहमति है क्या कि राष्ट्रपति की सहमति लेंगे उनसे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया इसको कि सहमति नहीं है, और कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है, इट डज नॉट मीन कॉन्करेंस, और प्रेसिडेंट वॉज नॉट बाउंड टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर इन फर्स्ट जजेस केस कंसल्टेशन को नॉन बाइंडिंग कर दिया गया, कि इसका मतलब ये नहीं कि वो अग्री करेंगे जो भी सलाह दी गई है उनको पहले जजेस केस में, ठीक है। पहला चीज़ ये डिस्कस की गई। दूसरी चीज़ क्या थी कि भाई जो वॉज द पार्ट वेयर द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट अ हाई कोर्ट जज कैन बी ट्रांसफर टू एनी अदर हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट इवन अगेंस्ट हिज विल, इसको भी डिस्कस किया गया। खैर इस पर फिलहाल हम ट्रांसफर वाली बात पर नहीं जाते, फिलहाल हम कंसल्टेशन पर स्टिक करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि पहले जजेस केस में कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि अग्रीमेंट है कि राष्ट्रपति ने कंसल्ट किया और उस कंसल्टेशन के बाद ही हैज टू अग्री टू व्हाट हैज बीन टोल्ड टू हिम, उसके अकॉर्डिंग ही विल बी अपॉइंटिंग, ठीक है, द जजेस सीजेआई और द अदर जजेस। क्लियर, पहले जजेस केस में। नेक्स्ट कम्स द सेकेंड जजेस केस 1992 में पहला आया, 11 साल बाद एक और केस आया जिसमें एक पिटीशन फाइल की गई 1993 में बाय सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना वर्डिक्ट जहां पर कंसल्टेशन को अग्रीमेंट डिनाई कर दिया था, मतलब राष्ट्रपति पर बाइंडिंग नहीं था वो कंसल्टेशन, ठीक है, इसको ओवर रूल करते हुए कहा कि कंसल्टेशन को अग्रीमेंट ही माना जाए। कि अगर जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट के सीजे आए हैं या फिर जो अदर जजेस हैं जिनसे कंसल्ट किया जा रहा है, वो कंसल्टेशन पर राष्ट्रपति को अग्री करना होगा, कॉन्करेंस अग्रीमेंट होगा। यहां पर इन पर बाइंडिंग कर दिया गया जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है, यहां से कोलेजियम सिस्टम का एक्चुअली कह सकते हैं कि इवोल्यूशन शुरू हुआ एंड फाइनली ये इवॉल्व हो गया इन द थर्ड जजेस केस ऑफ 1998। इस साल द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट वॉज इशूड क्वेश्चनिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड कंसल्टेशन इन आर्टिकल 124 अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाईकोर्ट, मैं आपको शुरुआत से बता चुकी हूँ, ठीक है। चीफ जस्टिस यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया बाय द जुडिशरी इटसेल्फ कि भाई चीफ जस्टिस वोंट बी द ओनली वन। जब कंसल्टेशन की बात है, जहां पर सीजीआई जजेस की नियुक्ति में जब सीजीआई से कंसल्ट किया जा रहा है, इट डज नॉट मीन ओनली द सीजीआई, इट मीन्स सीजीआई अलोंग विद द अदर जजेस। तो अकेले सीजीआई का कंसल्टेशन नहीं होगा, इट विल बी अ ग्रुप ऑफ जजेस विद सीजीआई, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस, कंसल्टेशन विल इंक्लूड अ कोलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सीजेआई के साथ साथ देयर विल बी 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अब इनका जो डिसीजन होगा, इनका जो कंसल्टेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन जाएगा एंड देन द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड जजेस केस इज बाउंड टू अपॉइंट, ठीक है। आई होप आपको तीनों केसेस समझ में आए। कोलेजियम सिस्टम क्विकली ब्रीफली, इस सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट है जजेस का, वो रेकमेंड करता है, कोलेजियम रेकमेंड करता है नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरह से केंद्र सरकार भी नाम भेजती है ऑफ द प्रपोज कैंडिडेट्स फॉर कंसल्टेशन। कोलेजियम भेजता है और केंद्र सरकार भी भेजती है कंसल्टेशन के लिए। द अपॉइंटमेंट प्रोसेस टेक्स लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय होता है क्योंकि कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया गया है इसके लिए। और अगर कोलेजियम रीसेंड करता है सेम नेम्स को अगेन, द गवर्नमेंट हैज टू गिव इट्स असेंट टू द नेम्स। तो सरकार को उन पर अपनी सहमति देनी होगी, यानी कि राष्ट्रपति को उन लोगों को नियुक्त करना होगा, ये कहता है कोलेजियम सिस्टम। इसकी वजह से जहां पर दोबारा भेजने पर सरकार को करना पड़ेगा, इसकी वजह से
हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, द NJAC नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट, ठीक है, NJACS टू रिप्लेस द कोलेजियम सिस्टम, जिसमें कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की बात की गई थी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जिसको 2015 अक्टूबर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था ये कहते हुए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट कर रहा है। क्यों कर रहा था मैं बता देती हूँ। तो 1993 जजमेंट जो था वो बेसिस बना ऑन विच द फाइव जजेस, जहां पे बाइंडिंग हो गया था 1993 जजमेंट में बाइंडिंग कर दिया था ना राष्ट्रपति को, ही हैज टू अग्री टू व्हाट द कंसल्टेशन हैज सेड, डिक्लेयर दैट NJAC एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अक्टूबर 2015, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यहां पर मैं आपको बताऊँ NJAC का उद्देश्य था कि वो रेकमेंड करेगी नाम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसका उद्देश्य था कि कोलेजियम हटा दिया जाए और NJAC रिकमेंड करे जजेस की नियुक्ति के लिए नाम, ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट जजेस एंड द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या क्या था इसमें, जिसकी वजह से ये कहा गया कि दिस इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, विच इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, लॉ मिनिस्टर होंगे और दो एमिनेंट मेंबर्स होंगे दैट आर चोजन बाय द सिलेक्शन कमिटी। यहां पर अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी देयर वाज अ लेजिस्लेटिव मेंबर या एग्जीक्यूटिव मेंबर आ गया नियुक्ति में, और दो एमिनेंट मेंबर्स भी आ गए जो सिलेक्शन कमिटी चूज करेगी। तो यहां पर यह कहा गया कि इंडिपेंडेंस को ब्रीच करता है, वायलेट करता है, जिसकी वजह से इसको खारिज कर दिया गया। दिस इज, लेट्स सी अभी क्या होगा इसमें, हमें देखना है, अभी कुछ ना कुछ रोज नया डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आई थिंक दिस वॉज द बेसिक्स अबाउट इट, ठीक है। आपको मुझे क्वेश्चन में के आंसर जरूर देने हैं कि वो दो कौन से जजेस हैं जो कन्वेंशन को बदलते हुए, जिनको CJI बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का इन 1970s। ऑल राइट, चलिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLIFE10 एंड यू कैन अवेल द बेस्ट डिस्काउंट एंड माई गाइडेंस। लक्ष्य बैचेस शुरू हो जाएंगे 15 दिसंबर से, जहां पर ये एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, एनरोल नाउ। कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस होंगे, मेंस और आपकी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें इंक्लूसिव होगी 2024 के लिए। आरंभ हिंदी इंग्लिश बैचेस होंगे, ये भी आप एनरोल कर सकते हैं, इस बैच के लिए भी NDLIFE10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 16 दिसंबर इज द डे। CSAT के लिए भी आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म गाइज। ऑप्शनल कार्निवल, जहां पर आप एक सब्सक्रिप्शन में सभी ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं एट दिस प्राइस विद माय कोड NDLIFE10। 9 दिसंबर इज द लास्ट डे, मतलब तुम चला ही गया कल, आज 10 तारीख हो गई। टेस्ट सीरीज राइट नाउ इज अवेलेबल एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस, जिसमें 55 प्लस टेस्ट मिलेंगे, 45 GS के और 10 CSAT के। मेरा कोड यूज कीजिए, एनरोल कर लीजिए अभी जाकर और चेक की प्रिपरेशन कैसी है। दिस इज कॉम्बैट, NDLIFE10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज। लास्ट माइल द इंटरव्यू प्रोग्राम, यहां पर भी आप एनरोल कर सकते हैं, जिन लोगों ने मेंस दिया है और उनका रिजल्ट अच्छा है, पॉजिटिव आया है और आपको इंटरव्यू देना है, तो जाके तैयारी कीजिए। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।